कमी है, किसानों पे जो व्यवस्था कर न सकी वो सरकार की कमी है, किसानों के शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। के साथ मिलना जरूरी है मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी आप देखें कि जो सरकार कह रही थी हम किसानों को फसल का 1.5 गुना देंगे, उपज का जो मूल्य है उसका हम 1.5 गुना देंगे, पहले तो तय नहीं कराया। कोठियों में पलने वाले लोगों को नहीं पता है आलू में कितनी लागत लगती है 1 बीघा, एसी में चलने वाले लोगों को ये नहीं पता है कि धान में कितनी लागत लगती है। लेकिन अगर आपने निर्धारित कर दिया 1700 रुपये, कुछ क्या किसी किसान भाई को 1700 का मूल्य मिल रहा है धान का? नहीं मिल रहा। आज मक्का का 1741 रुपया मूल्य निर्धारित किया, पूरे जनपद में कहीं मक्का 1741 रुपये में किसी की खरीदी गई? नहीं खरीदी गई। और अब मक्का की खरीद की जाएगी दिसंबर में, जब नहीं मक्का है, जब बिचौलियों ने व्यापारियों ने किसान की मक्का को 9.25 में खरीद लिया है, अब किसान व्यापारी वही किसान की मक्का बेच के मुनाफा कमाएंगे, यही धान में हो रहा है। आज हम लोग धान की खरीद और मक्का खरीद केंद्र चल नहीं रहे, फर्जी घोषणा हो रही है कहीं पे, और अगर कहीं खरीदा भी जा रहा है तो व्यापारियों का माल खरीदा जा रहा है। किसान बेचारा पहले व्यापारियों से बेचता है और मजा बिचौलिए मार रहे हैं, किसान की गाड़ी कमाई का पैसा बिचौलिए खा रहे हैं। हम लोग इसके विरोध में किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम लोग इस लड़ाई को सड़क पर उतर कर लड़ेंगे।